दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि योनो एसबीआई के माध्यम से फिक्स डिपॉजिट कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रोसेस बताने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप समझ लीजिए कि एफडी अकाउंट किसे कहते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ, जैसे कि गाँव समाज में आप पैसे देते हैं सूद ब्याज पर, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि ब्याज मिलता है। ठीक उसी प्रकार से आप किसी भी बैंक में एफडी करा सकते हैं। जब आप बैंक में एफडी कराते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट अपने अमाउंट को कराते हैं, वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो यह समय के अनुसार से तय किया जाता है कि आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो इस चीज़ को आप तो समझ गए कि एफडी किसे कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए, अगर आपने जो है 10,000 का एफडी कराया, ठीक है, एफडी कराने के बाद इन फ्यूचर में कोई आपका काम आ जाता है, तो आप चाहते हैं कि एफडी तोड़ के जो है जो 10,000 रुपया है उनका जो है हम अपने खाते में ले लें और कोई काम कर लें, तो ये भी हम आपको प्रोसेस बताने वाले हैं कि इन फ्यूचर में अगर कोई बड़ा सा काम आ जाता है, अगर आप चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट को क्लोज करके अपना पैसा लेना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो में हम आपको प्रोसेस लाइव बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि योनो एसबीआई के माध्यम से एफडी कैसे बनाया जाता है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप योनो एसबीआई को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। इसके बाद आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना एम पिन इंटर करेंगे जो भी आपने बनाया है। तो चलिए हम यहाँ पर एम पिन इंटर कर लेते हैं, और एम पिन इंटर करने के बाद आप जो है योनो एसबीआई के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे डिपॉजिट का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एफडी अकाउंट मिल जाएगा, और आरडी अकाउंट मिल जाएगा, माय ड्रीम मिल जाएगा, अदर डिपॉजिट मिल जाएगा। और क्लिक करने के बाद आप देखिए मेरे खाते में जो है पहले से एक एफडी किया हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे 1,000 का मिलेगा। देखिए 6.25 रुपया के इंटरेस्ट रेट हमको मिला है। तो अगर आप नया एफडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ओपन फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, और ऐसा करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कितने रुपये का आप फिक्स डिपॉजिट बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 2,000 का बनाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ये आपका बैलेंस जितना है वो भी दिखा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, डू यू वॉन्ट योर फिक्स डिपॉजिट टू बी टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अगर आप टैक्स सेवर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको 5 साल के बाद ही आप इस एफडी को क्लोज कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, तो यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको पूछा जाता है, तो यहाँ पे 7 दिन से 10 ईयर तक आप जो है एफडी बना सकते हैं। तो अगर आप 1 साल के लिए 2 साल के लिए बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। चलिए हम 1 साल के लिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पर 0 मंथ देते हैं और 0 यहाँ पर डेढ़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना हमको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, यानी कि 5 रुपया की दर से हमको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप 10 साल का आप इंटरेस्ट रेट पता करना चाहते हैं तो व्यू इंटरेस्ट रेट पे आप क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना आपको इंटरेस्ट रेट किन किन समय में मिलने वाला है। तो यहाँ पे 7 से 45 दिन के भीतर आप करते हैं तो यहाँ 2.90 रुपया की दर से आपको मिलने वाला। अगर यहाँ पर देखिए 1 साल के लिए करते हैं 365 दिन के लिए, तो यहाँ पे 5 रुपया के दर से आपको मिलने वाला है। अगर यह आप 5 से 10 साल के लिए करते हैं तो 5.40% के आपको हिसाब से मिलने वाला है। तो चलिए ये आप स्क्रीन चार्ट देख लिए। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे मंथ जो है आप 0 सेलेक्ट कर देंगे। तो चलिए हम 0 सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 1 ही साल के लिए हम एफडी बनाना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, और ऐसा करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा जो आप इंटरेस्ट रेट लेना चाहते हैं, वो मंथली लेना चाहते हैं या क्वार्टरली लेना चाहते हैं या हाफ ईयरली या एट मेच्योरिटी लेना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इतना 25 रुपये का क्वार्टरली आपको पर क्वार्टरली मिलेगा। तो यहाँ पर चलिए हम एट मेच्योरिटी पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर 102 रुपया एट मेच्योरिटी मिलेगा, यानी कि 1 साल के बाद हमको 102 ही रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे, ये एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं, आप 10,000-20,000 का भी एफडी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है ऑटो रिन्यूअल, यानी कि अगर आप जो भी एफडी बना है वो फिर से दोबारा रिन्यूअल करना चाहते हैं
तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो आपका रिन्यूअल होते जाएगा साल बाय साल। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्रेडिट टू अकाउंट करना चाहते हैं, यानी कि जितने भी आपका प्रिंसिपल अकाउंट है, जो भी इंटरेस्ट रेट बना है, एक साल के बाद चाहते हैं कि मेरे खाते में आ जाए, तो यहाँ पे क्रेडिट टू अकाउंट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि रिन्यूअल प्रिंसिपल अमाउंट जो 1000 आप रुपया लगाए हैं वो आपका रिन्यूअल होते जाए और जो इंटरेस्ट रेट मिला है वो खाते में आ जाए, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मेरा ओपिनियन यही है कि आप क्रेडिट टू अकाउंट पर क्लिक रहने दें, क्योंकि एक साल के बाद जो भी आपका इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो भी आप प्रिंसिपल अमाउंट लगाए हैं, सारे आपके खाते में आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद यहाँ पे आपको रिव्यू पेज मिलेगा। तो यहाँ पे रिव्यू पेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। सारा यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट इतना लगाया है, 2000 आप 10000 भी लगा सकते हैं, यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे मैच्योरिटी डेट, यानी कि 25 अगस्त 2022 को ये जो है आपका क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए आपको मैच्योरिटी यानी कि कितना रुपया मिलेगा, तो यहाँ पे ये सब दिया गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये आगे बढ़ाना चाहते हैं इस पेज को, तो यहाँ पे आप टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद कंफर्म बटन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे कंग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुल क्रिएट योर फिक्स डिपॉजिट। आप यहां पे देख सकते हैं आपका फिक्स डिपॉजिट का नंबर भी यहां पे दिख रहा है, और यहां पे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं जो भी है, और आपके ईमेल पे भी ये प्रोसेस चला जाएगा और फाइल में भी ये जो पीडीएफ चला जाएगा। तो चलिए हम इसको बैक आके चलते हैं। यहां पे देखिए मेरा दो फिक्स डिपॉजिट हो चुका है, एक तो पहले का है जो कि यहां पे देखिए मैंने बहुत साल पहले मैंने किया था यहाँ पे, जो कि 1000 का, तो मैंने अभी 2000 का करके आपको बताया है। तो इस तरह से आप जो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कर सकते, फिक्स डिपॉजिट किए हैं वो पैसा मेरे खाते से कटा है या नहीं कटा है, चलिए हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा 2000 जो है यहाँ पे कट चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन फ्यूचर में अगर इस पैसे की आपकी ज़रूरत हो गई, तो अगर आप चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट को क्लोज करना, बंद करना, और जो भी पैसा लगाएं फिक्स डिपॉजिट में वापस खाते में ले सकते हैं। कैसे, तो जो भी आप फिक्स डिपॉजिट बनाएं उसी पर आप क्लिक करेंगे। जैसे हम 2000 रुपये बनाए, 2000 रुपये हम क्लिक कर दिए। उसके बाद नीचे में देखिए क्लोज फिक्स डिपॉजिट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लोज का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्लोज। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है आर यू श्योर, क्या आप सच में इसे क्लोज करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे ओके, जी हाँ, तो ओके पे आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए आपको जो है रिव्यू पेज मिलेगा, तो यहाँ पे आप कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे और ऐसा करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यू हैव सक्सेसफुल क्लोज द फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का आपका नंबर भी दिख रहा है, ठीक है। तो कितने रुपये का हुआ था, 2000 रुपये का मैं आपको लाइव क्रिएट करके दिखाया था और यहाँ पे क्लोज करके भी दिखा रहा हूँ। तो ओके पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो मेरे पहले से एक ऑलरेडी फिक्स डिपॉजिट है वही आपको शो कर रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद चलिए हम बैलेंस देख लेते हैं कि मेरे खाते में बैलेंस तुरंत आया है या नहीं। तो यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे 2000 रुपया मेरे खाते में क्रेडिट इंस्टेंट के इंस्टेंट कर दिया है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से जो है अपने खाते में जो है फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो ये जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाए, ताकि और भी आने वाले समय में इस तरह का हम वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर पाए। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आप अर्निंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, उस चैनल का मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके विजिट कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी को नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।